नमस्कार, मेरा नाम है ईशा भंडारी और आप देख रहे हैं वोकल न्यूज शहरू। आज के समय में पूरा विश्व कोविड से डरा हुआ है। पिछले 2 साल से हर कोई इस खतरनाक वायरस से जूझ रहा है। बढ़ते प्रदूषण और बदलते पर्यावरण के कारण आए दिन तरह तरह की नई बीमारियां लोगों को अपना शिकार बना रही हैं, जिसके कारण वैज्ञानिकों में काफी डर बना हुआ है। और हो भी क्यों ना, इन्हीं खतरनाक बीमारियों में से एक बीमारी की यदि बात करें तो वह कैंसर। जी हाँ, इस बीमारी के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए प्रतिवर्ष विश्व भर में 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। विश्व कैंसर यानी कि वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है। वर्ष 1933 में इस दिन को मनाने की शुरुआत हुई थी। इस दिन दुनिया भर में कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाने और इसके संकेतों को लोगों तक पहुंचाने के लिए कई तरह के कार्यक्रम रखे जाते हैं, ताकि लोग सही समय पर इसकी पहचान कर सके। क्योंकि सही समय पर पहचान की जाए तो कैंसर जैसी बड़ी बीमारी को एक राहत मिल सकती है। विश्व कैंसर दिवस की थीम या विषय हर साल अलग अलग तय किया जाता है। साल 2022 के लिए विश्व कैंसर दिवस की थीम क्लोज द गैप है। जी हाँ, इस थीम के साथ इस पूरे विश्व में मनाया जाएगा। कैंसर एक बीमारी है जो कई रोगों का समूह है। इसमें असाधारण रूप से कोशिकाएं बढ़ने लगती हैं और ये ट्यूमर का रूप ले लेती हैं। जी हाँ, हमने बहुत सारी फिल्मों में देखा होगा, हमने खुद कभी महसूस किया होगा कि कैसे ये ट्यूमर हमारी बॉडी के अंदर बढ़ता है। ये बढ़ी हुई चर्बी की गांठ होती है। कैंसर शरीर के किसी भी अंग में मौजूद कोशिकाओं को प्रभावित कर सकता है। इसमें प्रभावित कोशिकाएं शरीर में फैलने लगती हैं, जिससे ट्यूमर बढ़ने लगता है और शरीर के अन्य हिस्सों में ये फैल जाता है। मुख्य रूप से कैंसर के कारण अनुवांशिक रूप से होने वाले असाधारण परिवर्तन, शराब, धूम्रपान, तनाव, कम फाइबर वाला खाना और केमिकल रेडिएशन को माना जाता है। इसके अलावा शारीरिक गतिविधियों की कमी, एक्सरे से निकली किरणों भी इसकी वजह मानी जाती हैं। जी हाँ, अब बड़ा प्रश्न ये उठ कर के आता है कि आखिर इस घातक बीमारी के लक्षण क्या हैं? तो कैंसर के शुरुआती लक्षण इस पर भी निर्भर करते हैं कि वो शरीर के किस हिस्से में हुआ है। जी हाँ, इनके अलावा सामान्य लक्षण हैं, जैसे शरीर का वजन अचानक कम या ज्यादा हो जाना, त्वचा में गांठ या किसी हिस्से में बार बार नीला पड़ना, त्वचा में जल्दी निशान पड़ना, आवाज में बदलाव होना, निगलने में परेशानी होना, भूख कम लगना, कमजोरी होना, महीने भर से खांसी या सांस लेने में कठिनाई होना, इस तरह के लक्षण होने पर डॉक्टर से संपर्क करना बेहतर होता है। अब इससे बचाव कैसे किया जा सकता है? तो कैंसर के जोखिम से बचने के लिए स्वस्थ जीवन शैली बेहद जरूरी है, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन इसके अलावा धूम्रपान, शराब, अधिक वसा वाला खाना और डिब्बा बंद भोजन से बचें। आजकल हम यही खेल करते हैं कि कुछ आलस आ गया तो क्यों खाना बनाना, और कहीं बाहर से ऑर्डर कर लेते हैं, वो बाहर से आएगा, उसमें क्या क्या मसाले मिक्स होंगे, क्या क्या केमिकल्स मिक्स होंगे, हम इसकी जानकारी नहीं रखते हैं। तो इससे बचे, रेडिएशन के संपर्क में आने से बचे, नियमित रूप से एक्सरसाइज करें, तनाव न लें, तनाव की स्थिति में परिवार दोस्तों से बात करें और उसे कम करने की कोशिश करें। तनाव बहुत सारी बीमारियों को न्योता देता है। अन्य बीमारियों की तरह समाज में कैंसर को लेकर भी तमाम तरह के मिथ और अफवाह फैले हुए हैं। इसमें से कई मिथ को तो आप भी अब तक सच मानते आ रहे होंगे। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक इस तरह के अफवाह लोगों को भ्रमित कर सकते हैं, जिसके कारण कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। पहला क्या है अफवाह, पहला क्या है मिथ? तो कैंसर का मतलब मौत निश्चित है। कुछ लोग यही बोलते हैं कि जिसको कैंसर हो गया भाई वो तो नहीं बच सकता। लेकिन स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक लोगों के बीच कैंसर को लेकर फैली ये मिथ काफी गंभीर है। कैंसर हमेशा लाइलाज नहीं होता है। कैंसर के कारण होने वाली मौत का खतरा रोग के प्रकार और स्टेज पर निर्भर करता है। कैंसर का पता लगाने और उपचार के क्षेत्र में तकनीकी प्रगति ने इस दिशा में काफी बेहतर काम किया है। प्रारंभिक पहचान और उपचार के साथ अधिकांश रोगियों की जान बचाई जा सकती है। आप एग्जाम्पल्स के लिए युवराज सिंह, संजय दत्त जैसे स्टार कोई देख लीजिए। दूसरी बात जो मिथ है वो है कैंसर संक्रामक है, ये रोगी से दूसरों को भी हो सकता है। ये भी हमने सुना होगा, लोगों के बीच कैंसर की संक्रामकता को लेकर भी काफी भ्रम की स्थिति है। अक्सर लोग कैंसर रोगियों से मिलने या उनके निकट संपर्क में आने से कतराते हैं, पर ध्यान देने वाली बात यह है कि कैंसर छूत की बीमारी नहीं है, इसलिए ये भी एक दुर्लभ है।
तीसरी यदि बात करें मिथ की, तो तीसरा बाल झड़ रहे हैं तो ये कैंसर का संकेत हो सकता है। हमारे ज्यादा बाल झड़ जाते हैं तो हम ये सोचने लगते हैं कि यार कहीं हमको कैंसर तो नहीं है। अक्सर कैंसर रोगियों की तस्वीरों में उन्हें आपने गंजा देखा होगा। इसी आधार पर लोगों ने मानना शुरू कर दिया है कि बाल झड़ना कैंसर का संकेत होता है। हालांकि इसे डॉक्टर पूरी तरह से अफवाह ही मानते हैं। डॉक्टर बताते हैं बाल झड़ने की समस्या केवल कुछ कीमोथेरेपी दवाओं से संबंधित होती हैं। कैंसर के उपचार के दौरान प्रयोग में लाए जाने वाले तरीकों के कारण बाल झड़ सकते हैं, लेकिन सिर्फ बाल झड़ने को कैंसर का संकेत नहीं माना जा सकता है। चौथा मिथ की बात करें तो माइक्रोवेव में गर्म खाने से कैंसर होता है, बहुत सुना है। माइक्रोवेव और कैंसर के खतरे के बारे में आपने भी जरूर सुना होगा मुझे लगता है, पर विशेषज्ञ इसे मिथ बताते हैं। माइक्रोवेव भोजन को गर्म करने के लिए माइक्रोवेव विकिरण का उपयोग करता है, इससे कैंसर का खतरा नहीं होता है। इससे गर्म भोजन करने से कैंसर होने के जोखिम का कोई संबंध नहीं है, तो आप इन अफवाहों से बचें और अपने हेल्थ का ध्यान रखें। धन्यवाद, आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और यदि Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें। शुक्रिया।